वेलकम टू एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस एएसएमएस में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका पार्ट 1 मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को 5 पार्ट में बांटा गया है। टॉपिक का पहला पार्ट है व्हाट इज अ मैटर, पदार्थ क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर या पदार्थ की भौतिक प्रकृति कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के पार्टिकल्स या कण जो हैं उनकी क्या विशेषताएं। पार्ट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ठोस, द्रव और गैस अवस्था का हम लोग अध्ययन करेंगे इस पार्ट में। पार्ट 3 तीसरे पार्ट में कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है, यह हमारी चर्चा का विषय होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर तापमान में परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा पदार्थ की अवस्था पे। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, यह हमारी चर्चा का विषय होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी दाब में परिवर्तन करने पे स्टेट में, अवस्था में क्या असर पड़ेगा। पार्ट 4 जो चौथा पार्ट है, इस पार्ट में इवेपोरेशन वाष्पीकरण, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण पे असर डालने वाले कौन कौन से कारक हैं उसकी चर्चा की जाएगी। हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग, आखिर किस तरह से इवेपोरेशन या वाष्पीकरण जो है कूलिंग इफेक्ट लाता है, तापमान में गिरावट लाता है। और आखिरी जो पार्ट 5 है, इसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी आपके एनसीईआरटी में जब चैप्टर खत्म होता है तो फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं वो इस पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। पार्ट 1, जैसा कि हमने कहा, क्लास 9 आपका चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके पार्ट 1 में जो अपने कंटेंट्स हैं जिसका डिस्कशन किया जाएगा कि व्हाट इज द मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम लोग लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, जिनका शेप, साइज, टेक्सचर ये अलग अलग होता है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, यानी जिस चीज से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने मैटर यानी पदार्थ का नाम दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एयर जो हम लोग सांस लेते हैं, फूड जो हम लोग खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर पानी का एक बूंद, पार्टिकल ऑफ सैंड बालू का एक कण, ये सब के सब जो है मैटर है। मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड इट इज एसोसिएटेड विथ मास, यानी मैटर की दो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी, एक तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ये मास के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें मास और वॉल्यूम। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स उनके मुताबिक कि सारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हर एक सजीव या निर्जीव पदार्थ जो है, दैट इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 मूलभूत आधारभूत तत्वों का बना हुआ है, जिन्हें पंच तत्व कहा गया, एयर, अर्थ,
फायर, स्काई और वाटर, यानी वायु, हवा, अर्थ, धरती, भूमि, फायर आग, स्काई आकाश, वाटर पानी, ये पांच तत्व हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में चर्चा की है इन पांच तत्वों की, कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व हैं और इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज फाइव बेसिक एलिमेंट्स, यानी पुराने जो हमारे दार्शनिक थे उनके मुताबिक हर एक सजीव या निर्जीव चीज जो है इन्हीं पांच बेसिक एलिमेंट का बना हुआ है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पुराने ग्रीक के दार्शनिकों ने भी इस चीज की पुष्टि की। जैसे देखिए यहां हमने दिखाया है फायर, वाटर, अर्थ, एयर और स्काई, ये पांच बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी पदार्थ के और इन्हें हम लोग पंच तत्व कहते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आधुनिक वैज्ञानिकों ने मैटर को क्लासिफाई करने का दो तरीका बताया, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसकी चर्चा इस टॉपिक में होगी, यानी इसमें जो है ऐसे करेक्टरिस्टिक सब्सटेंस के आते हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की आइडेंटिटी वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदलेगी, कुछ हम केमिकल चेंज देखेंगे, मतलब कुछ रिएक्शन जैसी चीज होगी, या फिर हो सकता है कि कंपोजिशन चेंज करेगा, ये सब लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन ये डिस्कशन का विषय जो है इस चैप्टर का नहीं होगा। आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा होगी, इस पार्ट में हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही ध्यान दें। अब देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के प्राकृतिक नेचर या प्रकृति की चर्चा हो रही है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है पार्टिकल्स के बने हुए हैं। हम लोग एनसीईआरटी के पेज वन पे हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत पहले से टू स्कूल ऑफ थॉट्स, दो तरह की विचारधाराएं थी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर या प्रवृत्ति के हिसाब से। पहले थाउट के हिसाब से मैटर जो है कंटिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक वुडन ब्लॉक की तरह से मैटर जो है कंटिन्यूअस है। जबकि दूसरी विचारधारा के आधार पे मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, तो जिस तरह से बालू के का जो कंपोजिशन होता है, निर्माण होता है, वो छोटे छोटे कणों का बना हुआ है, उसी तरह से ये मैटर भी जो है वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। इसको हम लोग पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। अब जैसे यहां एक एक्टिविटी की चर्चा की जाएगी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये जिक्र है, जिससे ये पता लगाने के कि मैटर का नेचर जो है कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, यानी सैंड की तरह से, पार्टिकल की तरह से ये बिहेव करता है या वुडन ब्लॉक की तरह से इसमें कॉन्टिन्यूटी है। इस एक्टिविटी में 100 ml का एक बीकर लिया गया है, उसको हाफ द बीकर फिल्ड विथ वाटर, आधे बीकर को पानी से भर दिया गया और लेवल ऑफ वाटर को मार्क किया गया। जैसे मान लीजिए ये लेवल ऑफ वाटर यहां मार्क किया गया है। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की मदद से थोड़ी सी चीनी या नमक उसमें डिजॉल्व करवाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस और राइज होते हैं, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपीयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी क्या वाटर के लेवल में कोई, वाटर के लेवल को आप देखिए क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, सॉल्ट का क्या हुआ है, या फिर
सॉल्ट क्या डिसअपियर हो गया, इस चीज को एनालिसिस में लाना है। अब इस चीज को बताने के लिए हमें इस आइडिया का इस्तेमाल करना होगा कि मैटर इज मैटर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर जो है पार्टिकल का बना हुआ है। हमने स्कूल में जो भी रखा, चाहे वो सॉल्ट हो या सुगर है, दैट हैज स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, ये जो है पूरी तरह से वाटर में स्प्रेड कर गया, जो इस फिगर में आपको दिख रहा है। इसके आधार पे ये माना गया कि मैटर के पास पार्टिकल के नेचर है, वो कणों का बना हुआ। अब अगली एक्टिविटी 1.2 जो एनसीईआरटी के पेज 1 और 2 पे कैरी हो रही है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हैं। तो इसके लिए 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लिया गया, 100 ml वाटर में उसको डिजॉल्व करवाया गया है, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन का निकालेंगे, फिर से उसमें 90 ml क्लीन वाटर डाल करके फिर 100 ml का बनाएंगे, फिर उसमें से 10 ml फिर निकालेंगे सॉल्यूशन से, फिर 90 ml फर्दर वाटर डाल करके 100 ml बना देंगे। इसको डायल्यूट करते रहेंगे जो एक्टिविटी में मेंशन है 5 से 8 बार तक। इज द वाटर स्टील कलर्ड, क्या अभी भी वाटर कलर्ड है। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन होगा, इस फिगर में डिपिक्ट किया गया है कि शुरुआत में ये कलर पर्पल जो है बहुत ही डेंस है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल को आपने डिसॉल्व किया 100 ml वाटर में, तो बहुत डीप कलर जो है पर्पल यहां मिल रहा है। जैसे जैसे उसको डायल्यूट करते गए, वैसे वैसे कलर जो है वो फेंट होता गया, कलर जो है हल्का होता चला गया। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि 2-3 क्रिस्टल जो हमने पोटेशियम परमेट का लिया है, दैट इज कैपेबल ऑफ कलरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी लगभग 1000 लीटर पानी को कलर करने की उसकी क्षमता है। यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी एक एक क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का है वो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जैसे जैसे हम डायल्यूट करते जाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होता जाता है। सेम एक्टिविटी अगर हम लोग 2 ml डिटॉल के मदद से करेंगे तो वहां भी यही ऑब्जर्वेशन होगा, डिटॉल से जो खुशबू आ रही है अगर बार बार डायल्यूशन को रिपीट करते जाएंगे तो भी वो स्मेल हम डिटेक्ट कर पाएंगे, भले स्मेल की इंटेंसिटी कम हो जाए। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी मैटर के जो पार्टिकल हैं वो छोटे हैं, हमारे इमेजिनेशन से परे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगर हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर के विशेषताओं की चर्चा करें तो पहला मेंशन किया गया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है। अगर जैसे कि हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में ऑब्जर्व किया कि सुगर हो, सॉल्ट हो, डिटॉल हो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर में। सिमिलरली वी मेक टी, कॉफी, लेमोनेट जिसको नींबू पानी कहते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर टाइप, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जैसे आपने पानी लिया उसमें सुगर, सॉल्ट, डिटॉल ये सब जो आप मिक्सअप कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या नींबू पानी बना रहे हैं, इसका मतलब वो मिक्सअप करना ये बताता है कि वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, यानी एक तरह के पदार्थ के पार्टिकल के बीच में स्पेस है और उस स्पेस को
दूसरे पदार्थ के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया, और देखेंगे कि वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी आपने अगर छोटी क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में सुगर सॉल्ट डिटॉल इन सबको मिक्स किया है वाटर में, तो लेवल ऑलमोस्ट सेम है, तो बीच के स्पेसेस को दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है। अब अगली एक्टिविटी देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल कण हैं वो लगातार मूव करते हैं। अब एक्टिविटी 1.3 में इसकी चर्चा है, 1.3 में अनलीट इनसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के एक किनारे में आप एक अगरबत्ती रखते हैं जिसे जलाया नहीं गया है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो दैट टू गेट इट स्मेल, अगर आप बहुत दूरी पे हैं तो शायद उसका स्मेल आप महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब बहुत नजदीक आएंगे तब उसका जो स्मेल है उसकी सुगंध आप तक आएगी। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। एक बार अब उस अगरबत्ती को जला लें तो अब क्या होगा, क्या एक डिस्टेंस यानी एक दूरी पे अगर आप बैठे हो तो क्या वो स्मेल आप तक पहुंच रही है। एक्टिविटी 1.4, टेक टू ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड। यानी आप दो ग्लास या बीकर लेंगे, उसमें पानी है, ब्लू या रेड इंक का एक ड्रॉप धीरे से केयरफुली जो है उस कंटेनर यानी ग्लास या बीकर के साइड से पहले बीकर में डालेंगे, धीरे 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 धीरे, जबकि हनी को दूसरे बीकर में डालेंगे। लीव देन अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास, यानी घर में या क्लास के कोने में उसको उसी तरह से छोड़ दें, फिर अपना ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करें। अब इंक को जब आपने ड्रॉप ऐड किया तो इमिडिएटली क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, और जब हनी को आप ड्रॉप करेंगे तो इंस्टेंटली आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज दर इज टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, यानी इंक को कितना समय लगता है, कितने घंटे या दिन लगेंगे इवनली स्प्रेड होने में, ये सब प्रश्न का विषय होगा। अब तीसरी एक्टिविटी इससे रिलेटेड यानी 1.5 में, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब आप क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को एक बार गर्म पानी में और दूसरी बार ठंडे पानी में रखेंगे, सॉल्यूशन को स्टेयर नहीं करना है, यानी उसको स्पून की मदद से मिक्सअप करने की कोशिश नहीं करनी है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, यानी क्रिस्टल जो है उसको बॉटम पे सेटल होने दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। ये कुछ कुछ प्रश्न है। सॉलिड क्रिस्टल ट्यूब ऊपर ग्लास में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, समय के साथ क्या परिवर्तन होगा, और ये सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल के बारे में क्या बताता है, क्या टेम्परेचर से ये रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज करेगी, किस तरह से और क्यों चेंज करेगी, ये सब चर्चा का विषय होगा। ये जो तीन एक्टिविटी हम लोगों ने करी उसके आधार पर हम लोग जो कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि मैटर के पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और ये मूवमेंट के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो बढ़ेगी।
इन सारी एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है इंटरमिक्स करते हैं ऑन इट्स ओन विथ ईच अदर, यानी पार्टिकल्स में आपस में मिक्सअप करने की टेंडेंसी है। इसके लिए वो उनके बीच में जो स्पेसेस हैं पार्टिकल के बीच में, उस स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है। और जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स इंटरमिक्स करेंगे तो ये प्रोसेस या घटना जो है डिफ्यूजन कहलाती है। और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब गर्म किया जाएगा तो डिफ्यूजन का रेट फास्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न का विषय होगा। तो यहां से हम लोग जो प्रीवियस एक्टिविटी है उसके आधार पे कह सकते हैं कि अब इंसेंस स्टिक जब कोल्ड है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, जिसे आपने नहीं जलाया है, तो उस केस में उसकी खुशबू नजदीक है, उसके पार्टिकल की गति बहुत कम। लेकिन जब आप जलाएंगे उसके जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स ज्यादा तेजी से स्प्रेड करेंगे और दूर तक उनको महसूस कर पाएंगे। अब जो इंक है उसके पार्टिकल जल्दी मिक्सअप करते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल में इंटर पार्टिकल फोर्स, जिसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वो कमजोर है। हनी के मिक्सअप होने में समय लगता है। फिर उसी तरह से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जब कोल्ड वाटर में डाला गया तो वो जल्दी मिक्सअप नहीं करेगा, लेकिन गर्म पानी में वो तेजी से रिजॉल्व करेगा, मिक्स करेगा। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 1.6। इसके लिए फील्ड में खाली जगह पे मैदान में एक गेम करेंगे, चार ग्रुप बनाएंगे और ह्यूमन चेन्स बनाएंगे जैसे सजेस्ट किया गया। फर्स्ट ग्रुप में ये जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदु मिस्मी डांसर, जैसे इस फिगर में जैसे चर्चा की गई है उस तरह से एक दूसरे को होल्ड करेंगे, पीठ को पकड़ के और आर्म्स को लॉक कर लेंगे जैसा कि यहां दिखाया गया है। दूसरी एक्टिविटी में एक ह्यूमन चेन बनाएंगे जिसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें। और तीसरे एक्टिविटी में फिंगर टिप्स की मदद से सिर्फ एक दूसरे को पकड़ेंगे। और जो चौथा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो दौड़ता हुआ आएगा और वो क्या करेगा, ह्यूमन चेन को ब्रेक करने का कोशिश करेगा। और जितने छोटे छोटे ग्रुप में ब्रेक कर सकता है उसका प्रयास रहेगा। विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई? तो आप देखेंगे जहां फिंगर टिप से लोग एक दूसरे को टच कर रहे थे वो आसानी से ब्रेक कर जा रहा है क्योंकि उसमें फोर्स बहुत कमजोर है। और पहला जिसमें बैक और आर्म्स को होल्ड करते हुए डांसर्स की तरह से लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया था, उसे ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी अगर हम हर एक स्टूडेंट को एक पार्टिकल ऑफ मैटर की तरह से सोचें, तो कहा जा रहा है कि किस ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स होगा। तो पहला जिसमें डांसर किस तरह से ग्रुप के लोगों ने एक दूसरे को होल्ड किया है उसमें सबसे ज्यादा होगा। अगली एक्टिविटी देखिए, एक आयरन नेल, चॉक का एक टुकड़ा और रबर बैंड लिया गया है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है हैमरिंग यानी हथौड़ा के इस्तेमाल से, कटिंग या स्ट्रेचिंग, कट करके या स्ट्रेच करके। अब इसमें आपको ये सोचना है कि किसमें सबसे मजबूत फोर्स से पार्टिकल जुड़े हुए हैं, आयरन नेल, चौक का टुकड़ा और रबर बैंड। अगली एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन द कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, वेयर डू यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर।
कंटेनर में कुछ पानी रखिए और अपने फिंगर से वाटर के सरफेस पे मूवमेंट करवाइए, सरफेस को कट करने की कोशिश कीजिए। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? अगर हम सरफेस ऑफ वाटर को कट करके अलग करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट होगा कि शायद आप हम नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों एक्टिविटी, एक जो ह्यूमन चेन बनाए गए और दूसरा पार्टिकल को, दूसरा जो हमने एग्जाम्पल दिया एक्टिविटी कि वाटर के सरफेस को कट करने का हमने अपनी उंगली से प्रयास किया, ये जो एक्टिविटीज है ये बता रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स है, वो पार्टिकल को आपस में होल्ड किए हुए है। और जब हम एक तरह के पदार्थ से दूसरे तरह के पदार्थ के बीच में जाते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज करता है। अब आप देखेंगे जो सॉलिड्स हैं उसके बीच का फोर्स सबसे मजबूत है, उससे थोड़ा कमजोर फोर्स लिक्विड में होगा और सबसे कमजोर फोर्स जो है वो गैस में होंगे। और इसकी चर्चा जो है हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में डिटेल में करेंगे। अब एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेज 3 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? तो चेयर, एयर, अब देखिए यहाँ लव लिखा हुआ है तो ये फीलिंग है, इसमें मास और वॉल्यूम नहीं है। स्मेल को भी फीलिंग मानेंगे, हीट भी फीलिंग है, तो ये सब मैटर नहीं है। लेकिन चेयर, एयर, आलमंड्स, हाउट, ये भी मैटर नहीं है, कोल्ड ठंडी, ये भी मैटर नहीं है, लेमन वाटर ये मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, और परफ्यूम से जो स्मेल निकल रही है उसमें पार्टिकल्स, इसलिए फर्स्ट साइट में लोगों को लगता है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम को मैटर नहीं कहेंगे, बट वो मैटर है। जितने परफ्यूम के पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी उतना अधिक हम स्मेल महसूस करेंगे। तो स्मेल जो है वो मैटर नहीं है, लेकिन परफ्यूम का स्मेल जो है वो मैटर की कैटेगरी में आएगा। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल हमारे पास सेवरल मीटर्स अवे तक आती है, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू डू गो क्लोज। यानी अगर ठंडा खाना है तो उसके आपको नजदीक आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो वेपर्स होंगे उसका संख्या बहुत कम है, बहुत स्लो मूवमेंट होगा, स्मेल हमारे तक देर तक पहुंचेगी। लेकिन वही अगर गर्म खाना है उससे जो वेपर्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, और वो लंबी दूरी तक तय करेगी। और डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल व्हाइल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट ऑब्जर्व? सो एक गोताखोर जो है वो स्विमिंग पूल में पानी को काटते हुए आगे बढ़ पाता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ बताती है? तो प्रॉपर्टी ये होगा कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में स्पेस है और उस स्पेस के कारण वो पानी को कट करने की स्थिति में। नेक्स्ट में देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? इसका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एक तो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, दूसरा पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस है, तीसरी प्रॉपर्टी पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये फोर्स सॉलिड में सबसे मजबूत और गैस में सबसे कमजोर है। अब हम लोग इस सेक्शन के क्वेश्चन विंडो पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर? अब देखिए, हीट, साउंड, लाइट, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी ये मैटर है क्योंकि इसमें मास और वॉल्यूम है, बाकी मैटर के कैटेगरी में नहीं आए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसफर्स मैटर कंसिस्ट ऑफ। तो एंशियंट फिलोसफर्स चाहे इंडियंस हो, ग्रीक है, उनके मुताबिक से ये पांच तत्वों का बना हुआ है, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पांच कंस्टिट्यूएंट हैं। अब पंच तंत्र ऑफ लाइफ, ये पांच तत्व क्या है? तो रिकॉल कीजिए, हमने एयर की चर्चा की थी,
फायर की चर्चा की थी, अर्थ की चर्चा की थी, स्काई और वाटर। तो देखिए, एयर, फायर, अर्थ, स्काई और वाटर, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ गॉड लिखा हुआ है, मदर फादर है, फिर यहाँ पे देखिए एयर के साथ गॉड है, सॉयल है, क्रॉप है, एयर के साथ गॉड है, इल्ड है, मनी है, तो ये जो है पंच तत्व का जो सेट है वो ऑप्शन बी में दिखेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, एयर, फीलिंग ऑफ कोल्ड, डस्ट, ह्यूमिडिटी। अब फीलिंग ऑफ कोल्ड जो है मैटर नहीं है, बाकी में मैटर का करेक्टर होगा। एवरी मैटर हैज ओन गैस एंड डैश। हमने चर्चा की कि दो बेसिक चीज जो मैटर के लिए रिक्वायरमेंट है वो है उसका मास और वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम ये दो बेसिक पार्ट हैं जो कि मैटर के साथ एसोसिएटेड हैं, उसका आंसर ए होगा। अगले प्रश्न में देखिए, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व इन वाटर इट शोज। हमने पढ़ा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये पर्पल कलर शो करेगा, और जैसे जैसे डायलूट करते जाएंगे कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर। हमने सीखा है कि मैटर का पार्टिकुलेट नेचर होता है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब अपना ऑप्शन ए होगा। बाकी इंटर पार्टिकल स्पेस जो है गैस में मैक्सिमम है, फिर पार्टिकल्स जो गैसियस फेज में होते हैं उसके पार्टिकल जो है जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम है, वो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। तो जब सॉल्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर में डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वाटर के लेवल पे अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में सॉल्ट के पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट करते हैं, यानी लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज। ये आंसर सही होगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैटर राइजेस, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मैटर की काइनेटिक इनर्जी बढ़ती है, उसका मूवमेंट या स्पीड बढ़ता है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर, ये सही होगा, स्लोअर मूवमेंट नहीं होगा। इनर्जी जो है वो इंक्रीज करते हैं, यहाँ डिक्रीज है, तो ये भी गलत है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो बीच का स्पेस बढ़ेगा, तो डिक्रीज करना ये भी गलत है। और हम पार्ट वन के आखिरी क्वेश्चन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम जो है वो सॉलिड्स के केस में होता है। अब यहां आप देखिए, ये आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, वाटर का वेपर जो है गैस स्टेट में है, और एयर के पार्टिकल्स जो है वो भी गैस के फॉर्म में है। इसका मतलब आइस जो सॉलिड है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ASMS।